नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं उपेंद्र कुमार और आपके लिए लेकर आया हूं इस वक्त की ताजा और बड़ी खबरें। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल के आवास के बाहर कार्यकर्ताओं की ओर से किए गए विरोध प्रदर्शन की निंदा की है। आजाद ने ट्वीट कर कहा कि मैं कपिल सिब्बल के आवास पर सुनियोजित उपद्रव की कड़ी निंदा करता हूं। वो एक वफादार कांग्रेसी हैं जो संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह पार्टी के लिए लड़ रहे हैं। किसी भी पक्ष के किसी भी सुझाव को दबाने के बजाय स्वागत किया जाना चाहिए। गुंडागर्दी अस्वीकार्य है। बता दें, पिछले दिनों कपिल सिब्बल ने पार्टी नेतृत्व पर सवाल खड़ा किया था, जिसके बाद उनके आवास के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से प्रदर्शन किया गया था और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई थी। उधर पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह ने कांग्रेस पार्टी के मौजूदा हालात के लिए सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि इन तीन लोगों की कैप्टन के सामने अपनी गलती मान लेनी चाहिए थी, लेकिन वह ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि वह तीनों खुद को तिस्मार खां समझते हैं। पूर्व विदेश मंत्री ने कहा कि कांग्रेस में फिलहाल कुछ भी सही नहीं है। राहुल गांधी के पास कोई पद नहीं है, लेकिन पार्टी से जुड़े सभी मामलों में वो फैसले लेते हैं। अब न तो CWC की मीटिंग होती है और न ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाई जाती है। सिंह ने कहा कि राहुल गांधी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाने का फैसला लिया, जबकि सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाने का फैसला प्रियंका गांधी का था। बता दें, ये पहला मौका है जब किसी सीनियर नेता की ओर से गांधी परिवार का नाम लेकर निशाना साधा गया हो। इससे पहले कपिल सिब्बल ने भी ऐसे ही तेवर दिखाते हुए पार्टी में बड़े बदलाव की वकालत की थी और एक नियमित अध्यक्ष चुने जाने की मांग की थी। दूसरी खबर असम से जुड़ी हुई। असम मंत्रिमंडल ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आदिवासी और अन्य पारंपरिक वनवासी समुदाय को सरकारी नौकरी पाने के लिए दो बच्चों वाले नियम से छूट प्रदान की है। एक सरकारी बयान के मुताबिक मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल ने इन समुदायों को असम लोक सेवा नियम 2019 के दायरे से छूट दी है। सरकार ने इन समुदायों को सरकारी सेवाओं में आने के लिए दो बच्चों के नियम की रुकावट को दूर किया है। इसके साथ ही मंत्रिमंडल ने राज्य की करीब 11 लाख महिलाओं का सूक्ष्म ऋण माफ करने के लिए 1800 करोड़ रुपए और सार्वजनिक उपक्रम हिंदुस्तान पेपर मिल्स की बंद पड़ी दो इकाइयों की परिसंपत्ति अधिग्रहित करने के लिए 700 करोड़ रुपए मंजूर भी किए हैं। शर्मा ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद बताया कि पहले चरण में हम उन महिलाओं के बारे में विचार कर रहे हैं जिन्होंने नियमित आधार पर किस्त अदा की है। इससे 11 लाख महिलाओं के 25,000 रुपए तक के कर्ज माफ होंगे। उधर भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि जून के अंत में भारत का विदेशी कर्ज 571.3 अरब अमेरिकी डॉलर पर पहुंच गया, जो कि मार्च 2021 के अंत में रहे कर्ज के मुकाबले 1.6 अरब अमेरिकी डॉलर की वृद्धि दर्शाता है। हालांकि सकल घरेलू उत्पाद के मुकाबले विदेशी ऋण अनुपात जून 2021 के अंत में घटकर 20.2% रह गया, जो 31 मार्च को 21.1% पर था। केंद्रीय बैंक ने कहा कि मूल्यांकन प्रभाव को अगर शामिल नहीं किया जाए तो मार्च 2021 के अंत के मुकाबले जून अंत में विदेशी ऋण में 1.6 अरब अमेरिकी डॉलर के बजाय 3.3 अरब अमेरिकी डॉलर की वृद्धि हुई है। वहीं भारत के अडानी समूह ने कोलंबो बंदरगाह के वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल को विकसित करने और चलाने के लिए सरकार के स्वामित्व वाले श्रीलंका बंदरगाह प्राधिकरण के साथ एक समझौता किया है। एक बयान में कहा गया है कि श्रीलंका में पहली बार भारतीय बंदरगाह संचालक के रूप में अडानी समूह की बंदरगाह के वेस्टर्न कंटेनर टर्मिनल में 51% हिस्सेदारी होगी। अडानी समूह ने कोलंबो बंदरगाह पर WCT विकसित करने के लिए अपने स्थानीय साझेदार जॉन किल्स होल्डिंग्स और SLPA के साथ एक निर्माण परिचालन अंतरण समझौते पर हस्ताक्षर किया है, जो स्थानीय संस्थाओं के पास वेस्ट कंटेनर इंटरनेशनल टर्मिनल नामक नई संयुक्त कंपनी की 34.15% हिस्सेदारी होगी। बता दें, कोलंबो पोर्ट भारतीय कंटेनरों और मेन लाइन शिप ऑपरेटरों के ट्रांसमेंट के लिए सबसे पसंदीदा क्षेत्रीय केंद्रों में से एक है। अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन भारत में सबसे बड़ा बंदरगाह विकासकर्ता और परिचालक है और यह देश की कुल बंदरगाह क्षमता के 24% का प्रतिनिधित्व करता है। अब बात कर लेते हैं IPL की। चेन्नई सुपर किंग्स ने IPL 2021 फेज 2 में गुरुवार को सनराइजर्स हैदराबाद को 6 विकेट से हरा दिया। टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी हैदराबाद ने 20 ओवर में 7 विकेट खोकर 134 रन बनाए, जिसमें रिद्धिमान साहा ने सबसे ज्यादा 44 रन बनाए। वहीं चेन्नई के लिए जोश हेजलवुड ने 3 और डेविन ब्रावो ने 2-2 विकेट लिए। जवाब में चेन्नई ने 19.4 ओवर में 4 विकेट खोकर जीत के टारगेट को हासिल कर लिया। चेन्नई सुपर किंग की ओर से ऋतुराज गायकवाड़ ने सबसे ज्यादा 45 रन बनाए,
जबकि फॉफ डु प्लेसिस ने 41 रनों की पारी खेली। वहीं जीत के साथ चेन्नई के 11 मैचों से 18 अंक हो गए हैं। टीम अब लीग राउंड के बाद टॉप टू फिनिश करने की मजबूत दावेदार बन गई है। उधर हैदराबाद की 11 मैचों में 9वीं हार है। टीम प्लेऑफ के दौर से पूरी तरह बाहर हो चुकी है और 8वें स्थान पर बरकरार है। भारत में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार घट रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत में बीते 24 घंटे में कोरोना के 23,529 नए केस सामने आए हैं। इसके साथ ही देश में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा बढ़कर 3,37,39,980 पर पहुंच गया है। बता दें, पिछले एक दिन में कोरोना से करीब 311 मरीजों की मौत हुई है, जबकि कोरोना से कुल मरने वालों की संख्या बढ़कर 4,48,062 पर पहुंच गई है। वहीं देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 2,77,020 रह गई है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।